कैसे एक बच्चे ने मौत को चकमा देके दुनिया का सबसे अमीर बैंकर बने। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम जानेंगे उदय कोटक की लाइफ स्टोरी, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजीज और मंत्रास यूज किए जिसकी वजह से उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बना दिया, वो भी इतने कम टाइम में। तो वीडियो को आखिर तक देखना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक में शेयर कर देना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूल ऑफ सक्सेस है कि सीज द अपॉर्चुनिटीज। तो होता क्या है ना कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी मिलती है बट हम उनका सही से यूज नहीं कर पाते। आइए जानते हैं कि यार उदय कोटक ने कैसे अपॉर्चुनिटीज का बढ़िया यूज किया। तो उदय कोटक का जन्म 1959 को एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जॉइंट फैमिली थी तो साथ में 60 से भी ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स रहते थे और उदय कोटक बचपन से काफ़ी ब्रिलियंट थे, पढ़ाई में अच्छे थे। कॉलेज के बाद उन्होंने फिर जामनालाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ज्वाइन किया MBA करने के लिए। उस टाइम में वो क्रिकेट भी काफ़ी अच्छा खेलते थे तो वो क्रिकेट को अपना करियर बनाना चाहते थे, पर अपने MBA के फर्स्ट ईयर के बाद जब वो क्रिकेट कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे थे, ठां से आके बॉल उनके सर पर लगी और भैया इतना तेज़ चोट आई कि यार फिर सर्जरी करना पड़ा और एक सेमेस्टर उनका तो हॉस्पिटल में ही निकल गया। उसके बाद एक साल उनको ड्रॉप करना पड़ा और इस टाइम पे उन्होंने अपने फैमिली के कॉटन ट्रेडिंग के बिजनेस में तो काम किया, पर एक साल बाद जब उन्होंने फाइनली कॉलेज ज्वाइन किया तब उनको समझ आ गया कि यार जैसे उदय शेट्टी का पैशन था एक्टिंग, वैसे क्रिकेट भी उनका एक पैशन रह जाएगा, इसमें वो फुल टाइम तो करियर नहीं बना पाएंगे। तो पढ़ाई पे और ध्यान देने लगे। समर इंटर्नशिप उन्होंने HUL में करी जिन्होंने फिर उनको जॉब ऑफर भी दिया, पर इसी टाइम उनके पिताजी ने एक और ज़बरदस्त ऑफर दिया कि या तो तुम फुल टाइम जॉब ऑफर ले लो या फिर हमारे ऑफिस में करीब 300 स्क्वायर फुट की जगह है, तुम वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अब उस टाइम तक उदय कोटक ने थोड़े बहुत फाइनेंस के बुक्स पढ़े थे, वॉल स्ट्रीट में क्या होता है वो थोड़ा बहुत समझा था, फाइनेंस में इंटरेस्ट था, पर उनको एक्चुअल में पता तो नहीं था कौन सा बिजनेस खोलना है। बट उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत रिस्क लेके देखते हैं, अगर नहीं चला तो यार जॉब तो वापस बाद में कर ही लेंगे। अब जॉब ऑफर रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसी टाइम उनके एक दोस्त ने नेल्को ज्वाइन किया जो कि एक टाटा की कंपनी है। तो उनके दोस्त ने बताया कि यार ये नेल्को को ना यार वर्किंग कैपिटल की बहुत दिक्कत होती थी, मतलब काम करने के लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो बैंक से लेते थे और 90 दिन बाद वापस करते थे 17% इंटरेस्ट रेट के साथ, और उस टाइम बैंक काफ़ी रेगुलेटेड थी तो उनको ज़्यादा पैसा मिल नहीं पाता था। तो उनके दोस्त ने उदय कोटक को बोला कि यार अगर तुम्हारे कोई अमीर रिश्तेदार है जो थोड़ा बहुत हमको पैसा दे सकते हैं, हम उनको 90 दिन बाद 17% के इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर सकते हैं। अब उदय कोटक घर गए, अपने अमीर रिलेटिव से पूछा कि यार जो पैसे कमाते हो वो रखते गाँव? उन्होंने बोला कि भैया बैंक में रखते हैं और क्या रखेंगे। तो उन्होंने पूछा कि यार वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? तो उन्होंने बोला कि भैया ये क्या सवाल है, सारे बैंक 6% इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे उदय कोटक का दिमाग चमका कि भैया बैंक्स तो 17% के रेट पे लैंड कर रहे हैं पर सेविंग्स करने के लिए 6% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, मतलब ये जो 11% का डिफरेंस है ना उसको अगर मैं थोड़ा बहुत कम कर दूं तो बन गया अपना बिजनेस। तो एक्चुअली मैंने यार उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने अमीर रिलेटिव से बोला कि यार तुम पैसा दे दो और मैं तुमको 12% का इंटरेस्ट दूंगा 90 दिन के बाद, और रिस्क तुम्हें मेरे पे नहीं लेना है, टाटा की कंपनी पे लेना है। अब उन्होंने बोला कि यार ये MBA का ग्रेजुएट पता नहीं इसका दिमाग वमाग घूम गया क्या, बट फिर उन्होंने सोचा कि यार टाटा की कंपनी है थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे दिए। दूसरी तरफ उन्होंने नेल्को को जाके बोला कि यार तुम बैंक से 17% के इंटरेस्ट में लेते हो, मेरे से तुम 16% के इंटरेस्ट रेट में ले लो, और यहाँ से उनका बिजनेस चालू हुआ जिसमें 16% के इंटरेस्ट रेट में वो बैंक्स को पैसे देते थे और 12% वो अपने अमीर रिलेटिव्स को देते थे, तो 4% का प्रॉफिट उनका होता था। और ऐसे यार बिजनेस बढ़ने लगा। उसके बाद फिर वो महिंद्रास के पास गए, उनका महिंद्रा यूजीन स्टील प्लांट था, उस टाइम में आनंद महिंद्रा ने वापस ज्वाइन किया था, तो उन्होंने ये प्लान उनको बताया, तो उनके साथ भी डील हुई और फिर उदय कोटक का बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से शुरू हो गया। तो बेसिक फंडा ये है कि यार उदय कोटक को अपने ऊपर भरोसा था और उन्होंने अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं किया, तभी आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। और एक्चुअल में यार उदय कोटक का एक कोट भी है कि यार अपॉर्चुनिटीज की दिक्कत ही यही है कि यार जब वो आते हैं ना अनाउंस नहीं करते हैं, पर जाने के बाद ही सबको रियलाइज होता है कि यार फिर से मौका गवा दिया। सेकेंड रूल ऑफ सक्सेस है कि कोलैबोरेट टू ग्रो। तो होता क्या है ना कि यार जब हम कुछ शुरू करते हैं हमको लगता है कि यार सारा काम ना हमें ही करना पड़ेगा और इससे स्ट्रेस और प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर हम शॉर्ट टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। तो उदय कोटक अभी तक तो यार अपने फैमिली बिजनेस के सब्सिडरी की तरह काम कर रहे थे। 1985 को उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो अपना सेपरेट बिजनेस खोलेंगे, उसी साल उनकी शादी हुई और नवंबर के अराउंड 1985 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। बट उनको समझ आ गया कि अगर फाइनेंस में वो बिजनेस शुरू करते हैं तो भैया ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी लोग पैसे देने वाले हैं। तो पहले तो यार उन्होंने अपने अमीर रिलेटिव्स और दोस्तों से
फंडिंग मांगी, उसके बाद वो आनंद महिंद्रा के पास गए, उनसे भी फंडिंग मांगी, पर उन्होंने बोला कि यार आप महिंद्रा का भी ब्रांड हो क्योंकि वो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, और क्योंकि आनंद महिंद्रा ने देखा ही था कि यार उदय कोटक कितना बढ़िया काम करते हैं तो उन्होंने महिंद्रा ब्रांड यूज़ करने दिया। और ऐसे ही यार महिंद्रा और कोटक की पार्टनरशिप शुरू हुई, 30 लाख की फंडिंग उन्होंने टोटल में रेज करी थी और 1986 को उनका बिजनेस शुरू हुआ जिसमें वो बिल डिस्काउंटिंग करते थे, उसके बाद लीज ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में भी उन्होंने एंट्री मारी। बट अगला जो मेन अपॉर्चुनिटी आया 1989 में जब सिटी बैंक ने इंडिया में कार फाइनेंसिंग शुरू किया, तो तब तक यार अगर आपको गाड़ी लेनी होती थी तो आपको सारे पैसे एक बार में देने पड़ते थे, कार फाइनेंसिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था और सिटी बैंक बहुत बड़ी यूएस की कंपनी थी तो उन्होंने ये चीज़ शुरू करी, 30% वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। अब उदय कोटक ने देखा कि भैया तब ना मारुति की गाड़ियों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और वेटिंग पीरियड करीब 6 महीने होता था, तो मतलब लोग पेमेंट और इंटरेस्ट देना तो शुरू कर देते थे पर 6 महीने बाद उनको गाड़ी मिलती थी। यहाँ पे उदय कोटक का फिर दिमाग चमका और उन्होंने एक साथ 4-5 हज़ार मारुति की गाड़ियाँ बुक करनी शुरू कर दी और उन्होंने लोगों को बोला कि भैया आप भी वही 30% इंटरेस्ट रेट दो, बट जब से आप लोन लोगे उसी दिन आपको हम गाड़ी दे देंगे। और क्योंकि लोगों को 6 महीने वेट नहीं करना पड़ता था तो लोग फिर कोटक महिंद्रा के पास आने ही लग गए। और उसके बाद जब ये बिज़नेस ग्रो होने लगा फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार वो गोल्डमैन सैक्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे क्योंकि उससे उनको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि भैया दुनिया में क्या चल रहा है, और इसके लिए भी उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। बट फाइनली 1995 को ये जॉइंट वेंचर शुरू हुआ गोल्डमैन सैक्स के साथ और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और सिक्योरिटीज़ में बिज़नेस शुरू किया। उसके बाद उन्होंने फोर्ड क्रेडिट के साथ भी जॉइंट वेंचर किया कार फाइनेंसिंग को नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करने के लिए, और ऐसे धीरे धीरे कोटक महिंद्रा काफी तेजी से बढ़ने लगा। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सही पार्टनरशिप सही टाइम पे करी। और उदय कोटक का खुद एक कोट है कि शॉर्टकट ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ में हमें रॉन्ग चॉइस नहीं करना चाहिए, सेकंड चॉइस चूज करना चाहिए जिसके लिए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है। तीसरा रूल ऑफ बिजनेस है कि हमेशा इनोवेट करो। तो जब भी आप बिज़नेस करोगे हमेशा बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स तो होंगे ही, तो आपको कंटिन्यूसली इनोवेट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स आपकी सर्विस यूज़ करें। और हम डिस्कस करते हैं कि उदय कोटक ने कैसे इतने सारे इनोवेशंस किए। तो धीरे धीरे जब कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज बड़ा होने लगा, फाइनली 2003 में उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया और वो पहली ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी बनी जिनको RBI ने बैंकिंग का लाइसेंस दिया। फिर दूसरी तरफ उनके जॉइंट वेंचर्स तो अच्छे चल रहे थे, बट धीरे धीरे उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के शेयर्स भी बाय आउट कर लिए और धीरे धीरे वो डिफरेंट बिजनेसेस में एक्सपैंड करने लग गई, जैसे कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स, फिर लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कोटक AMC, कोटक महिंद्रा कैपिटल इत्यादि। धीरे धीरे कोटक महिंद्रा बैंक ग्रो होने लगा, यहाँ तक कि 2015 में उन्होंने इंग व्यासा बैंक को भी बाय आउट कर लिया। और उनका फंडा ये है कि 2% कमाने के लिए 100 रुपये का रिस्क लोगे तो बैंक तो धीरे धीरे डूबेगा ही ना, तो इसीलिए वो बोलते थे कि डेट टाइप रिटर्न्स के लिए इक्विटी टाइप का रिस्क मत लो, और कोई भी चीज़ अगर उनको समझ नहीं आती है वो उस फील्ड में एंट्री नहीं मारते। तो इसीलिए जब 1997-98 में क्रैश हुए थे या 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, हमेशा कोटक महिंद्रा बैंक बच जाता था क्योंकि ये फंडामेंटल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लगे। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके अगले साल उन्होंने कोटक 811 की शुरुआत करी, और 811 एक्चुअली डेट था 8 नवंबर जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और ये पूरा डिजिटल ओनली बैंक था तो मतलब वीडियो से ही KYC हो जाता था। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड्स मिलते थे, लोन अप्रूवल प्रोसेस भी पूरा उन्होंने ऑनलाइन कर दिया था, तो इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुए। और यही रीज़न है कि यार आज वो इंडिया के 3rd largest प्राइवेट बैंक बन चुके हैं और वो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड CEOs है इंडिया के। उनकी पहले 27 लाख महीने की सैलरी होती थी, अब उन्होंने 1 रुपये सैलरी कर दी है पैंडमिक की वजह से। बट एक्चुअल जो उनका विजन है कि यार जैसे US की JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनीज बन गई है, वैसे इंडिया में भी वैसी कंपनी होनी चाहिए, तो तभी आप देखेंगे कि यार उनकी एज 62 है तभी भी वो इतना पैशनेटली काम करते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक इसीलिए इतना सक्सेसफुल हुआ क्योंकि यार वो हमेशा इनोवेट करते थे, नई नई चीज़ें लेके आते थे। यहाँ तक कि उदय कोटक का तो एक कोट भी है कि यार जब लायन एक जानवर को मार नहीं पाता तो वो भूखा सोता है, पर जो दूसरा जानवर है वो सिर्फ जीतता नहीं है बल्कि अपनी जान बचाता है। और इनोवेशन ऐसे आपको ग्रो करने में मदद करता है। और उनका मानना है कि यार एक बिजनेस एक मैराथन की तरह है, अगर आप बहुत तेज दौड़ोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, बहुत धीरे दौड़ोगे तो यार कभी आप कैचअप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए सही स्पीड पे लॉन्ग टर्म विजन के साथ ग्रो करना चाहिए। और यही कारण है कि अगर आपने कोटक महिंद्रा में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 1985 में, आज उसकी वैल्यू 2,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। तो लगाना शॉकिंग फैक्ट। तो दोस्तों ये थे उदय कोटक के स्ट्रैटेजीज और मंत्रा
और कोटक महिंद्रा बैंक की सक्सेस स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसे लगी। अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आगे वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।